नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक, स्वागत करता हूं आपका हमारे रॉक यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोक जी में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके रोज़ सिग्नल पर वीडियोज लेके आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप बात करने वाला हूं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको डिज़ाइन करती है, कौन सी कंपनी बनाती है, कोर क्या होता है, और इस वीडियो में दोस्तों मैं प्रोसेसर से रिलेटेड सारे डाउट आज आपके क्लियर करने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक देखना है, ताकि मन में जो कोई भी डाउट प्रोसेसर से रिलेटेड हो आज क्लियर वीडियो में हो जाए। तो यहाँ पे चले बताते हैं सबसे पहले प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर दोस्तों एक चिप होती है जो कि कोई भी टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगी होती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, प्रोसेसर वो होता है दोस्तों कि एकदम जो किसी भी चीज़ को आप जो कमांड देते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसर लगाया जाता है आपके मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट में, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में प्रोसेसर लगा होता है। एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे भी जो कोई भी आप कमांड देते हैं कंप्यूटर में दोस्तों, आप अपने कीबोर्ड से, माउस में, तो वो प्रोसेसर के थ्रू ही दोस्तों कंप्यूटर को समझ में आता है, और वो वहाँ पर कंप्यूटर वो जो कुछ भी आपने कमांड दिया वो सर्च करके स्क्रीन पर दिखा देता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर ही एक मीडियम है जो होता है दोस्तों, जो कि वहाँ पे हमारे जो कि हम लोग एक वहाँ पे इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वहाँ पे, तो वो समझ पाता है। मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे दूँ, फॉर एग्जांपल जो दो बंदे वहाँ पे एक प्लेस पे खड़े हुए हैं दोस्तों, अब उनको एक को वहाँ पे चाइनीज़ आती है, दूसरे को हिंदी आती है, तो वो दोस्तों आपस में बात कैसे कर सकते हैं। बात वो ऐसे ही करेंगे जब तक उनको एक कॉमन लैंग्वेज का वहाँ पे नॉलेज नहीं होगा। तो वो इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश दोनों को आती है, तो आप वो दोनों बंदे आपस में इंग्लिश में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश चाइनीज़ वाला भी समझता है और इंग्लिश हिंदी वाला भी समझता है। तो उनको ज़रूरी नहीं है कि अब वो हिंदी वाला हिंदी में बात करे, चाइनीज़ वाला चाइनीज़ में बात करे, वो एज ए इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और वो आसानी से अपना एक दूसरे को वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं अपने थॉट्स को। तो यही दोस्तों एज ए प्रोसेसर होता है, हमारे और कंप्यूटर के बीच में एज ए प्रोसेसर इसी तरीके का काम करता है दोस्तों। बिना प्रोसेसर के कोई भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वर्क नहीं किया जा सकता है, प्रोसेसर उसमें लगा होता है। प्रोसेसर एक एज ए चिप की तरह होता है। यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेसर में अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रोसेसर कोर में क्या होता है। अब आप बात करेंगे कोर क्या होता है। प्रोसेसर की बात जब भी होती है तो कोर की वहाँ पे बात ज़रूर होती है। तो कोर क्या होता है, कोर वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले वहाँ पे कोर वहाँ पे ड्यूल कोर होता है, यानी कि दो कोर वाला प्रोसेसर। फिर उसके बाद वहाँ पे क्वाड कोर हो जाता है, क्वाड कोर यानी कि चार कोर वाला प्रोसेसर। फिर वहाँ पे ऑक्टा कोर हो जाता है, ड्यूल कोर वहाँ पे सबसे पहले जो पहले आता है वो ड्यूल कोर होता है दोस्तों। ड्यूल कोर प्रोसेसर का मतलब होता है कि वहाँ पे दो कोर लगा हुआ है इस प्रोसेसर में। ड्यूल कोर की बात करें, ड्यूल कोर की, तो सबसे पहले ड्यूल कोर आता है दोस्तों। ड्यूल कोर यानी कि दो कोर वाला प्रोसेसर। प्रोसेसर के टाइप होते हैं दोस्तों कि ये ड्यूल कोर क्या होता है, यानी कि दो कोर वाला प्रोसेसर। फिर उसके बाद क्वाड कोर यानी कि चार कोर वाला प्रोसेसर। फिर उसके बाद हेक्सा वहाँ पे हेक्सा कोर प्रोसेसर यानी छः कोर वाला प्रोसेसर। फिर उसके बाद ऑक्टा कोर, ऑक्टा कोर क्या होता है, आठ कोर वाला प्रोसेसर। फिर उसके बाद डेका कोर प्रोसेसर यानी कि दस कोर वाला प्रोसेसर। तो ये दोस्तों होते हैं कुछ टाइप्स प्रोसेसर के कोर की। अब जितना ज़्यादा कोर का वहाँ प्रोसेसर रहेगा दोस्तों, उतना ही अच्छा वो वर्क करता है। अब ये गीगा हर्ट्ज क्या होता है, गीगा हर्ट्ज मतलब जैसे कि अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, दूरी को वहाँ पर मीटर में, पानी और दूध को लीटर में, और बिजली को वाट में, चीनी को किलोग्राम में जैसे नापा जाता है, वैसे ही प्रोसेसर को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। गीगाहर्ट्ज एज वहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मात्रा की यूनिट होता है वहाँ पे नापने का या लिखने का। प्रोसेसर को जो कोई प्रोसेसर होगा उसको गीगाहर्ट्ज में लिखा जाता है। आपने सुना होगा 1.6 ड्यूल कोर वहाँ पे गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, 1.6 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, 1.8 इसमें ऑक्टा कोर गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर लगा हुआ है। आपको ऐसे काफ़ी सारे आपने सुन रखा होगा, मोबाइल जब आप लेने जाते होंगे तो जरूर पूछते होंगे, या फिर आप दुकानदार आपको बताता होगा कि सर इसमें ड्यूल कोर वहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है, वहाँ 1.6 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये दोस्तों इसी तरीके से वहाँ पे होता है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये जो प्रोसेसर होता है इसको बनाती कौन सी कंपनियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो इंटेल आता है, इंटेल सबसे नंबर वन पे, और एएमडी दूसरे नंबर पे है। ये दोनों प्रोसेसर बनाने में नंबर वन और टू में इसमें होड़ लगी हुई है। कभी एएमडी ऊपर चला जाता है, कभी इंटेल। इस टाइम पे इंटेल काफ़ी टाइम से सबसे नंबर वन पे बना हुआ है।
उसके बाद मैं आप बात करूँ तो सैमसंग भी बनाता है, एनवीडिया भी है, मीडिया टेक है, क्वालकॉम है, वहाँ पे मोटोरोला भी है। ये सब दोस्तों प्रोसेसर बनाने की कंपनीज हैं, प्रोसेसर बनाने की कंपनी ये सब हैं। और प्रोसेसर बनता कैसे है, प्रोसेसर बनाने के जो कि मटेरियल रॉ मटेरियल की सप्लाई की जाती है वो आर्म्ड एक कंपनी है, आर्म्ड वहाँ पर ARM, तो वो सप्लाई करती है वहाँ पर रॉ मटेरियल्स तो इन कंपनियों को, तो ये सब कंपनियाँ वहाँ पर प्रोसेसर को डिज़ाइन करती हैं। तो ये हुई प्रोसेसर की बात दोस्तों। आपके मन में अभी भी प्रोसेसर से रिलेटेड कोई भी डाउट बचा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करिए, जा सकते हैं कमेंट करिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली जरूर दूंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर भी कर दीजिएगा कि सब लोगों को पता चल जाए कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर का टाइप क्या होता है, प्रोसेसर कौन सी कंपनी बनाती है। और मैं अब आपको मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आ गए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से रोज़ नॉलेजेबल वीडियोज़ ले इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।